सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की, जिन्होंने आज दलित कोटा और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा पटना में की है। चिराग पासवान ने कहा कि ये फैसला दलित समाज को बांटने वाला है और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली हैं, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं इस बात को दोहराता हूँ, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।